नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम गौरव है और मैं काफ़ी समय से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ूँ। अब तक मैंने लगातार ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया है, कई जगह पढ़ाया है, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे जब हम साथ मिल के काम करेंगे। तो आज से इस चैनल पे आपको लगातार रीजनिंग के वीडियोस मिलेंगे, आपको इन्हें रोज़ देखना है और साथ साथ नोट्स लेके बैठना है और काम करना है। इस वीडियो में मैं केवल इंट्रो और कुछ काम आपके लिए दोनों चीज़ें साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा इस पूरे चैनल पे आपको रीजनिंग कंप्लीट मिलेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ टॉपिक डाल के और फिर बंद हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। हम लोग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, सारा सिलेबस पढ़ेंगे, बस थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। और कोई भी चीज़ आपके डाउट में आती है तो आप कमेंट करिएगा, आपका हर कमेंट मैं पढ़ूंगा, जवाब भी मिलेगा आपको। कोई भी दिक्कत आती है तो भी बताइए मुझे अपने कमेंट के जरिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रीजनिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है तर्क शक्ति। रीजनिंग जो है वो असल में बनी है रीजन से। रीजनिंग को समझने से पहले आपको रीजन समझने की जरूरत है, क्योंकि रीजनिंग को आप जैसे कि देख पा रहे होंगे तर्क शक्ति। तो यहां हमें बात किसकी करनी है, तर्क की बात करनी है। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण होता है। तो हम जब बात करते हैं रीजनिंग की तो हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो हम इसमें उसी रीजन की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, एक चीज होता है तर्क और एक होता है कुतर्क। तर्क और कुतर्क में इतना सा अंतर होता है, बहुत छोटा सा। जैसे मैंने कहा मेरा नाम गौरव है, तो आप ये पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका नाम गौरव है तो इसका मतलब क्या होता है। लेकिन अगर यही बात आप ये कहते हो कि आपका नाम गौरव ही क्यों है तो ये कुतर्क है, जबकि आप ये कहते हो कि मेरे नाम का मतलब क्या है तो ये तर्क है। आपको पता है कि रीजनिंग में हमें केवल रीजन को समझना है। अगर हम रीजन समझ पाए तो हमें बहुत आसानी होगी रीजनिंग को पढ़ने में। आइए अब चलते हैं आगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि रीजनिंग तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो तीन पार्ट्स क्या क्या है, वर्बल रीजनिंग, दूसरा पार्ट है इसका नॉन वर्बल रीजनिंग। मैं रीजनिंग पूरा नहीं लिखूंगा। और थर्ड पार्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब जैसा कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूंगा, तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रहें कि आपको हिंदी की प्रॉब्लम है या इंग्लिश की प्रॉब्लम। वर्बल रीजनिंग को हम हिंदी में बोलते हैं भाषिक तर्क शक्ति। यहां बोलते हैं अभाषिक तर्क शक्ति और इसको बोलते हैं तार्किक तर्क शक्ति। तो आइए, आप सब जानते हैं कि इनमें अलग अलग बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो मैं एक काम करता हूं, कुछ टॉपिक के नाम आपको कुछ लिख देता हूं, बाकी समय वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आपको आज का ये वीडियो देख के एक काम करना है, मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, उसको आप देखिएगा, क्योंकि जब हम अगले वीडियो में बात करने आएंगे तो इस चीज का बहुत सारा लिंक होगा जो आपको होमवर्क दिया जाएगा। साथ ही आप एक काम करते चलें कि नोट्स लेके बैठिएगा, लिखते चलिएगा। अगर आप केवल वीडियो देखेंगे तो मजा नहीं आएगा, आप साथ साथ मेहनत करें, मैं भी करूंगा। देखिए कुछ टॉपिक मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो है वर्णमाला परीक्षण। इसको इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग।
जिसको बहुत सारे किताबों में सांकेतिक भाषा लिख दिया जाता है, एक और नाम लिखा हुआ मिल सकता है आपको, वो है कूटलेखन भाषा। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं सबके नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, हम धीरे धीरे इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इस पर चर्चा करने का मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है क्योंकि इसमें हमें वर्णमाला की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, इस वर्णमाला ठीक है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, आइए टॉपिक की ही बात करते हैं। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और लगातार हम टॉपिक की बात करेंगे, कंटेंट पे ध्यान देंगे ना कि बातों पे। आइए स्टार्ट करते हैं हम वर्णमाला परीक्षण। इसको मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इसमें बेसिकली हम इंग्लिश अल्फाबेट की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो वर्णमाला होती है, आप सब जानते हैं कि वो ए से लेकर जेड तक होती है, जिसमें फाइव वोवेल होते हैं, सॉरी वोवेल, ए ए आई ओ यू। हालांकि हमें इनका कुछ भी करना नहीं है, जबकि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनको यहां आप बोलते हैं स्वर और इनको हिंदी में आप बोलते हैं व्यंजन। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है छोटा सा, वो ये करना है कि आपको, ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है आपका कि आपको ऐसे ए बी सी डी और आगे भी ऐसे ही लिखते जाना है और ये याद करना है आपको, एक नंबर दो नंबर ये तीन ये चार और आगे भी ऐसे ही जेड पे जैसे आप जाएंगे तो ये 26 नंबर पे आ रहा होगा, तो ये नंबरिंग आपको याद कर लेनी है। इसके अलावा जो एक और काम है आपका जो आपको याद करना है वो है अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अपोजिट लेटर्स होते क्या हैं। अपोजिट लेटर्स वो होते हैं, मैं लिखता चल रहा हूं, ऐसे दो लेटर, ऐसे दो अक्षर जिनका योग 27 हो। कितना हो? 27 हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, द टू लेटर्स हैविंग सम 27 इज कॉल्ड अपोजिट लेटर्स। भाई कहीं भी अगर इंग्लिश की कोई छोटी मोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो उसको ध्यान न दीजिएगा, मैं रीजनिंग का टीचर हूं, इंग्लिश का नहीं। देखो जैसे मान लीजिए आप ए लिखते हो, ए एक नंबर पे आता है तो इसका जो अपोजिट होगा वो जेड होगा, क्यों? आप देखो ये वन है, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी कितनी, 26। जब आप वन और 26 को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 27 होगा। ऐसे ही जितने भी लेटर्स ऐसे हो जिनका सम कितना हो, 27 हो, तो वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक दूसरे के अपोजिट होने का मतलब ये है, ए का अपोजिट जेड और जेड का अपोजिट ए। तो मैं क्या करता हूं, ये इस तरह आपको रटने नहीं है, मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं आपको जिससे आपको इन्हें याद रखने में बहुत आसानी होगी। आइए देखते हैं, इनके लिखने का तरीका बहुत आसान है लेकिन याद करने का तरीका
उससे भी आसान है। जैसे लिखने के लिए तो आप ए लिखिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। टेक्निकल टीम यहां तक ठीक है। तो करना क्या होता है, जैसे ही आप ए से एम तक लिख लेते हैं तो एम के ठीक सामने आप एन लिखें, इधर लिखते चले ऊपर की तरफ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स बाय जेड। तो ये रहा लिखने का तरीका। लिखने का तरीका ये होता है कि आपको ए से लेकर एम तक लिख लेना है, एम के ठीक सामने एन लिखना है और एन से ऊपर की तरफ लिखते जाना है, तो ये सारे हो जाएंगे आपके अपोजिट लेटर्स। लेकिन ये लिखने का तरीका है, याद करने का नहीं है। आप सब जानते हैं कि अगर यही बात हमें स्टोरी में बताई गई होती, कहानी में, तो हमें याद रखना बहुत आसान होता। तो मैं इसी बात को एक कहानी के थ्रू आपसे बताता हूं ताकि आपको याद रखने में इसको बहुत ही ज्यादा आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, देखो भाई, मैं किसी और का एग्जांपल इसलिए नहीं लेता, आप बुरा मान जाएंगे, तो मैं खुद को ही ले लेता हूं। इसमें थोड़ी इंसल्ट करनी पड़ेगी मुझे, तो मैं खुद की कर लेता हूं। किसी और की करेंगे तो दिल पे ले लेगा, भाई दिल पे नहीं लेना है, तो मैं दिल पे लूंगा नहीं। तो आप देखिए होता क्या है, एक बार मुझे घर पे कुछ काम दिया जाता है, बहुत सारी चीजें बता दी जाती हैं और कहा जाता है कि ए टू जेड आपको बहुत सारी चीजों की लिस्ट बताई गई, दी नहीं गई, बताई गई और कहा सारी की सारी लेके आनी है। लेकिन होता क्या है, मैं अपने एक मित्र के साथ घूम रहा था, तो घूमने की वजह से क्या हुआ, बाई चांस मैं कुछ चीजें गया भूल। तो जब मैं घर आया तो एक पड़ा जोड़ का, तो मैं हल्का जुल्का इंसान, क्या हुआ, डाउन, मैं गिर पड़ा। और गिरने के बाद क्या हुआ भाई साहब, इवनिंग, मैं शाम तक रोता रहा, किसी ने पूछा ही नहीं। फिर जब मैं शाम तक रोता रहा, किसी ने नहीं पूछा, तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है। तब कुछ लोग आए, बोला बच्चे अगर यही रहा तो जो आपका फ्यूचर है, आपका फ्यूचर है। तो मैंने कहा फ्यूचर को क्या हुआ मेरे, तो वो बोले बच्चे गेट के बाहर है। मैंने कहा ये तो जाती है मेरे साथ। और कहा हाई स्कूल इंटर, हाई स्कूल इंटर तो आप पास कर नहीं पाओगे अगर ऐसे ही आप भूलते रहे तो। तो मैंने कहा अगर मैं हाई स्कूल इंटर नहीं कर पाऊंगा तो करूंगा क्या। तो बताया बच्चे आप एक काम करोगे, जैक क्वीन, आप सब जानते होंगे जैक क्वीन कार्ड्स में होते, ताश के, ताश जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो वो खेलेंगे। और क्या करेंगे, और कमला पसंद खाएंगे। क्या करेंगे, कमला पसंद खाएंगे, क्या बन जाएंगे, लो मैन, यानी घटिया क्वालिटी के मैन बन जाएंगे आप। उम्मीद है ये स्टोरी भी आपको बहुत पसंद आई होगी, ये तरीका भी, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। आइए एक बार हम दोबारा देखते हैं, ए टू जेड, बाई चांस, डाउन, इवनिंग, फ्यूचर, गेट, हाई स्कूल, इंटर, जैक क्वीन, कमला पसंद, लो मैन। इससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये सारे के सारे जितने भी लेटर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों का सम हर जगह 27 ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं गड़बड़ है, तो आइए एक पे चेक कर लेते हैं। जैसे आप सब जानते हो कि 11 नंबर पे आता है, और पी कितने नंबर पे आता है, 16 पे। 11 और 16 को आप ऐड करोगे तो 27 आएगा। जैसे यहां मान लीजिए ए आता है 5 पे और बी आता है 22 पे, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये भी 27 आएगा। आप कहीं भी चेक कर लीजिए, सबका सम 27 ही आएगा। और इन्हीं लेटर्स को हम अपोजिट लेटर्स
बोलते हैं। इनके अलावा और कोई भी लेटर्स ऐसे नहीं हैं जिनको हम अपोजिट लेटर्स बोलते हैं। तो मैंने आपको दो काम दिए हैं जो आपको करने हैं, एक तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, तरीका मैंने बता ही दिया। दूसरा मैंने बोला था कि ए बी सी डी जिस क्रम पे आती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे ही जेड तक आप जाएंगे और इसको लर्न कर लेंगे। जब आप इसको लर्न कर लेंगे तो जो अगला वीडियो है इनकी प्लेस वैल्यू का काफी यूज होगा, वो हमारे काम आएंगे। इसलिए मैंने आपसे ये बोला है कि आप ये दो काम करके रखिए, तब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, ये मेरा इंट्रो भी था और आपसे जुड़ने का एक तरीका भी। थैंक यू।